कैसे गुम हो रही है बताओ, देखभाल नहीं है, कोई गार्ड वार्ड नहीं है कि क्या? और ना हमारे बच्चे की तबियत खराब हो रही है, लाइफ प्राइवेट दिखा रहे, तुम हम भी नहीं जान दे रहे, क्यों नहीं जान दे, जान दे तो बोलते क्या कि वाले बच्चे चोरी हो रहे, कहाँ पैदा कर रहे, हम पैदा कर रहे और हम चोरी कर रहे, पैसे के लिए धंधा करते बेचने के लिए। जा हॉस्पिटल में आग लगा के जाऊंगी मैं, मेरा बच्चा मर रहा है, बहुत दूर से आई हूँ मैं। नवजात बच्चा चोरी होने के बाद से पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आया देवास जिला अस्पताल एक बार फिर नवजात बच्चे की मौत के बाद सुर्खियों में है। परिजनों ने नवजात की मौत को लेकर जिला अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बच्चे की मां ने गेट पर बैठकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही जिला अस्पताल में बच्चा चोरी होने और बच्चे की मौत को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल 9 मई को कन्नौज तहसील के ग्राम कुसमानिया के रहने वाली उषा पति राकेश बामनिया उम्र 25 वर्ष को प्रसूति के चलते भर्ती किया गया था। उषा ने शाम को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आया, जिस पर अस्पताल स्टाफ ने कहा कि बच्चे को टीकाकरण हुआ है, इसके चलते उसे बुखार आ रहा है। शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने बच्चे को निजी अस्पताल में लेकर नहीं जाने दिया। इधर बच्चे की मां ने गेट पर बैठकर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। बहुत तेज बुखार आ रहे थे उसको, 3 दिन तक लगातार आईसीयू रूम में ले गए, देख ले चेक करके बोला ठीक ठाक है, टीका के कारण बुखार आती है, 3 दिन तक भगा देते। कब डिलीवरी हुई थी आपकी? मेरी डिलीवरी हुई थी 9 तारीख को 6:27 शाम को। मेरा बेटा आज 12 डिलीवरी, पहली डिलीवरी है 13 तारीख को। इससे पहले आपको बच्चा है? एक बच्चा एक बच्ची है जुड़वा, दोनों ऑपरेशन से हुई है साथ, एक ही साथ। ये दूसरी डिलीवरी है, एक लड़का हुआ मेरा। और कोई है नहीं? कहाँ रहते हैं? पति मेरा गाड़ी चला रहा है, मेहनत मजदूरी करता है, और हम बहुत दूर से आए गरीब लोग। कन्नौज तहसील। नवजात बच्चे की मौत को लेकर सीएमएचओ एपी शर्मा का कहना है कि मां ने बच्चे को दूध पिलाया और दूध सांस की नली में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सभी को समझाया जाता है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाना चाहिए। बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेंड स्टाफ नर्स हैं, सभी निपुण है कि इंजेक्शन कितनी मात्रा में लगाना है। ऐसा कहना गलत है कि इंजेक्शन की वजह से बच्चे की मौत हुई है। जब आज ये बताया गया बच्चे की डेथ हो गई है, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे की डेथ के लिए माँ ने दूध पिलाया था, लेकिन बच्चे को उल्टी हुई और बच्चा सांस की नली में दूध चला गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और ये हर परिवार के लोगों को ये समझाया जाता है कि दूध पिलाने के बाद अपने बच्चे को थोड़ा डकार दिलाएं। हमारे सिस्टर्स राउंड दी क्लॉक जब भी जाती हैं, राउंड लेती हैं, हर परिवार के माँ को समझाते हैं कि बच्चे को कैसे फीड कराना है, दूध कैसे पिलाना है और बच्चे को कैसे डकार दिलाना है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करती है, बताती भी है। बच्चों के इंजेक्शन के लिए यहाँ पर जो टीकाकरण किया जाता है, उसमें 0 डोज BCG और हेपेटाइटिस 0 डोज लगाई जाती है। ये 24 आवर्स के अंदर लगाते हैं। इस तरह से जब भी कोई इंजेक्शन लगाते हैं, हमारे पास सभी ट्रेंड स्टाफ नर्स हैं, जो इसमें पूरे निपुण हैं कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है। ऐसा कहना गलत है कि इंजेक्शन की वजह से कोई डेथ हुई। यहाँ आपको बता दें कि गत दिनों शाजापुर जिले की रहने वाली एक मां का 3 दिन का बच्चा जिला अस्पताल से चोरी हो गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब एक बार फिर जिला अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। ये कौन है जो आई है लेडी? भाभी हमारा। क्या हुआ था? डिलीवरी हुई थी सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, तो एक दिन से बच्चा सीरियस था, इन्हें कुछ ध्यान नहीं दिया। किन्ने? डॉक्टरों ने जाते थे और दिखा के देख के आ जाते थे, बस अभी बोलते रह गए कि इनको दिखा दो, दूसरी जगह दिखा दो, पर उन्होंने बोला नहीं ऐसा कि आप बाहर जाकर दिखा दो कहीं भी। क्या हुआ फिर? अब बच्चे का? बच्चा खत्म हो गया, मर गया। क्या मानते हैं आप, किसकी जो है इसमें गलती? सब डॉक्टरों की गलती, नर्सों की, मैडमों की, इनमें ध्यान देना चाहिए था।